और अब मैं दावत के साथ दे रहा हूँ मोहतरम रफी रहमान दुरानी साहब मरकजी जवाब है मोहतरम रफी रहमान दुरानी। आज की ये आल पार्टी कांग्रेस हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान यादस में जो तौहीद की जा रही है और उसके ऊपर उलमा इकराम कुरान और सुन्नत की रोशनी में आप मीडिया हजरात को यह पैगाम दे रहे हैं कि आप उम्मत मुस्लिमा के सामने हमारा ये मौकफ और पूरी दुनिया के सामने ये मौकफ पेश करें। काफी कसीर तादाद में है लेकिन ये फकीर हुकूमत पाकिस्तान से यह मुतालबा करता है कि जिस तरह ये कानून बना हुआ है इस कानून की अगर कोई छेड़ा छाड़ी न की जाए वरना उसका रद्द अमल आपने देख लिया और इससे पहले भी आप हजरात के इल्म में आ चुका है जहां जहां हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखियां की गई वहां आशिकए रसूल ने अपनी ईमान का सबूत देकर उनको जहन्नम नसीब किया है। और ये आज की तारीख में नहीं है नबी अलैहिस्सलाम के जमाने अथर के अंदर भी जो यहूद आपकी शान में गुस्ताखियां करते थे और अबू राफी यहूदी का जो हशर सहाबा इकराम ने किया था वो भी तारीख के अंदर गवाह है। इसलिए मेरे पाकिस्तान के हुक्मरानों अगर तुमने जो कमेटी बनाई है जिसका वजीर तुमने किसी उमूर वजीर की जिम्मेदारी लगाई है अगर तुमने उस कमेटी को तहलील न किया तो तुम्हारी हुकूमत तहलील हो जाएगी। इसलिए होश के नाम लो वरना आशिकाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें ये पैगाम देना चाहते हैं कि 9 जनवरी को हम एमएस जिन्ना रोड पर जमा होकर जिस तरह 31 दिसंबर को पूरे पाकिस्तान की आवाम ने अपना सबूत किया ईमानी जज्बात जाहिर किए इंशाल्लाह 9 जनवरी को भी अपनी ईमानी ताकत के साथ आपको ये सबूत देंगे। लिहाजा आप बेहतर ये होगा कि ये जो कानून के अंदर आप तरमीम करने से बाद आ जाए और जो करारदाद आपकी असेंबली में आई है उसको वापस ली जाए और इस कमेटी को तरमीम किया जाए। अल्लाह ताला हम सबका हामी होना से और मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ मरकजी जमीयत अहले हदीस के रहनुमा मोहतरम मोहम्मद अफजल सरदार साहब। बातें तो बहुत से अहबाब कर चुके इसमें जो भी मुसलमान है उसका मौकफ जो है वो कोई दो नहीं हो सकते सबका मौकफ एक ही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है इज्जत के अंदर कोई भी वो अपने कौल और फेल के जरिए दुश्मन त्रासी करने की कोशिश करेगा उस दुर्गुस को इस दुनिया के अंदर जिंदा रहने का कोई हक हासिल नहीं उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है। इस पे हम सब का इत्तेफाक है लेकिन हमारे हुक्मरान वो अपने गैर मुल्की आताओं के इशारे पर इस तौहीद रिसालत एक्ट को तरमीम करने चले थे और इन्होंने एक औरत को आसिया मलूना के केस को इशू बना के ये असेंबली के फ्लोर पे ले आए तो हमने तारीख नामुस रिसालत के प्लेटफॉर्म से हुक्मरानों को मुतकद्दे किया आगाह किया कि ये मसला कोई मामूली मसला नहीं है ये मुसलमानों के ईमान का मसला है आप मुसलमानों के जज्बात को बरंगेज़ा करने की कोशिश ना करें इसका नतीजा बहुत गलत निकलेगा और वही हुआ। और आप हमने देखा कि जितने भी हुक्मरान तबका और उनके हवाई और उनके वज़ारा थे उनके चेहरे पे हवाइयां उड़ी हुई थी। अगर आज भी वो चाहते हैं कि फिर ऐसा कोई वाकया गुनमा ना हो कि आवाम वो कानून को अपने हाथ में न ले आवाम जज्बात में आकर वो लोगों की जान से ना खेले तो आज हम हुक्मरानों को आगाह करना चाहते हैं अगर चाहते हो कि आइंदा तुम्हारी जान महफूज रहे तो फिर फौरन असेंबली के फ्लोर पर आकर इस पर अपने नापाक इरादे से बाहर आने का ऐलान करो। असेंबली के फ्लोर पे वजीर आजम ऐलान करे जो है प्रेसिडेंट ऐलान करे और जो एक अकलियती वजीर रुकन के जो है वो क्यादत के अंदर इस तौहीद रिसालत एक्ट में तरमीम के लिए कमेटी कायम की गई है उसको फिर और खत्म
کرنے کی جو ہے کوشش کرے، وگرنہ یہ جتنے بھی یہ وزراء کے حکمرانوں کے محافظ ہیں وہ ان کی جتنی بھی چھان بین کر لیں کہ اس کا کسی مذہبی جماعت سے تو تعلق نہیں، یہ کسی مذہب سے تو تعلق نہیں رکھتا، لیکن مسلمان کے دل کے اندر لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ ہر وقت موجود ہے، کسی وقت بھی وہ جو ہے ایمان کی حرارت جوش میں آ سکتی ہے، بظاہر اس کا کسی سیاسی جماعت سے مذہبی جماعت سے تعلق نہ ہو، لیکن ایمان کی حرارت کبھی بھی کام دکھا سکتی ہے، جس طرح کے کل وہ واقعہ رونما ہوا، اس شخص کا بھی کسی مذہبی یا سیاسی جماعت سے تعلق نہیں تھا، لیکن اس کے ایمان نے اس کو اتنی حرارت کی کہ وہ پہلے بھی تو اس گورنر کے ساتھ وہ سیکورٹی پہ مامور رہا، پہلے اس نے ایسی کارروائی کیوں نہ کی، آج اس نے کارروائی کیوں نہیں کیوں کی؟ اس لیے اس کا ایمان، اس نے جوش مارا اور اس نے کام دکھلا دیا، تو جو ہے جتنے وزراء کے ساتھ، وزیر اعظم کے ساتھ، حکمرانوں کے ساتھ یہ سیکورٹی پہ مامور ہیں، مسلمان ہیں، کسی وقت بھی ان کی ایمانی حرارت جوش مار سکتی ہے، اگر انہوں نے اپنا تحفظ کرنا ہے تو پھر فور اعلان کرے کہ ہمارا توہین رسالت ایکٹ کے اندر ترمیم کا کوئی پروگرام نہیں ہے۔